हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम तो यार बहुत ही एक बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है भाई, काफी ज्यादा इसकी डिमांड आ रही थी हमें। वीडियो का टाइटल है हर घर में, मतलब कि हर घर जो तिरंगा अभियान है, ठीक है, मतलब कि उसमें एक मुसलमान ने जो कहा वो हो गया है इस टाइम पे पूरे इंडिया में वायरल। अच्छा, अब ये वीडियो वॉच करते देखते हैं इसने आखिर बोला क्या है ऐसा जो मतलब पूरे इंडिया के अंदर वायरल हो चुका है इस टाइम। तो कौन करते हैं स्टार्ट। तिरंगे हमारी जान है, तुम्हारे तिरंगा हमारी शान है, वो तिरंगे में हमारी जान है। तिरंगा मतलब इसी तिरंगे में हमारी शान है, इसी तिरंगे में हमारी जान है। बहुत बड़ी बात है। हर घर तिरंगा, पाकिस्तान को ललकार, ये है कश्मीर का हाल। जहाँ पहले जलता था तिरंगा, मदरसा हो, मस्जिद हो या फिर मंदिर, ये है बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर। झंडा ही झंडा, ये है कश्मीर। कश्मीर की रगों में अब नफरत नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए दिल धड़कता है। बच्चा बच्चा हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। यकीन कीजिए या ना कीजिए, लेकिन बदलती तस्वीर कुछ ऐसी ही है। ये देखो, हर घर तिरंगा का अभियान चला जा रहा है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ तक मुहिम पहुँच जाएगी। आज पड़ोसी मुल्क देख रहा है कि उसकी छाती पर कैसे तिरंगा झंडा लहरा रहा है। आजादी के बाद जो कश्मीर में नहीं हुआ था वो अब आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहा है। कश्मीर की तस्वीर देशवासी पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। एक वक्त था जब कश्मीर में बिना किसी डर के पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, लेकिन अब कश्मीर की तस्वीर देखकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी प्रेमी मातम मना रहे हैं। कभी हाथों में पत्थर हुआ करते थे, लेकिन आज हाथों में तिरंगा है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान की गूंज सुनाई पड़ रही है। घरों पर तिरंगा आन बान और शान के साथ फहरा रहा है। लोग इस अभियान को लेकर उत्साहित हैं और देशभक्ति के रंग में डूब गए हैं। कुलगाम, अनंतनाग, सोपोर, हर जगह तिरंगे के रंग में लोग सराबोर नजर आ रहे हैं। ये तो है। डल झील में नावों पर तिरंगा गर्व के साथ लहरा रहा है। तो कहीं तिरंगे के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में तिरंगे फहराने वाले रैलियां निकाली गई और उमंग पहले कभी नहीं देखा गया। जाहिर है कि घाटी की आबो हवा अब बदल चुकी है। आम लोग देश के साथ चलने और बढ़ने के लिए तैयार हैं। देशभक्ति और तिरंगे के प्रति सम्मान कश्मीर के उन नेताओं को जवाब है जो ये कहते थे कि कश्मीर में तिरंगा थामने के लिए कोई हाथ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको सुनना चाहिए इस कश्मीरी शख्स को जिसके हाथों में तिरंगा है और जो बोल रहा है, तिरंगा हमारी शान है, जान है, अभिमान है और हमारा अभिमान है। तो आप भी सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैं अभी कबले फाड़ के मैं भी बन जाऊंगा क्या? आप ही चाहता है, इतना गुस्सा मुझे आपके आपके ये खुशी के बाद नहीं तो और क्या? आज 30-32 साल के बाद हम ये दिन मना रहे हैं, इसमें कोई खुशी की बात है? खुशी की बात नहीं तो और क्या है? इससे बढ़कर क्या है? हमारे हाथ में तिरंगा है, इससे बढ़कर कोई खुशी है क्या? इस तिरंगे अपनी जान देता है। देश की कितनी सेना इस वक्त बॉर्डर पर लड़ रहे हैं वो इस तिरंगे के लिए होता है। वो तिरंगे हमारी जान है, तुम्हारे तिरंगा हमारी शान है, वो तिरंगे में हमारी जान है। कहना है कोई पूछने की बात नहीं है, मैं तो दिल से हिंदुस्तानी हूँ, इसमें क्या कहने की जरूरत है? आपको अगर कोई शक है ना तो आप फिर कोई बात करें, किसका आपको शक है मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ वो बता। मेरे सर पर देखो तिरंगा है, हाथ में देखो तिरंगा है, पर सर की बात नहीं करूंगा, हाथ की बात नहीं करूंगा, और मेरे दिल में तिरंगा है, दिल में मेरे तिरंगा है, दिल में मेरी मोदी जी के लिए जगह है, मेरे दिल में है। इतने आज तक कितने प्रेम मिनिस्टर आए हैं, कितने आए हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं मिला हमें, आज ऐसा नरेंद्र मोदी जी हमें मिला है। खुशी का दिन है, हमें इसीलिए नाच रहे हैं हम। अगर जो लोग अभी भी कहते हैं कि कश्मीर में तिरंगा लहराने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो असल में क्या है, वो कश्मीर के अंदर ही है। अगर उनको पता होता देश क्या चीज है ना, हम वो देश के लिए जान देते हैं, लेकिन वो देश दुराई है। इनके अपने जो दुकानें हैं ना वो बंद हो गई है उनके। सही बोला, सब चोर है, क्या दिया उन लोगों
मुझे। एक दिन मैंने पीडीपी वाले के सामने नाचा है, लेकिन लास्ट में क्या था, मेरे पास में था, मुझे आपकी वोट चाहिए नहीं। इस आदमी के पास ने क्या दिया आपने, पीडीपी ने क्या दिया आपको, जेल दिया है, जेल जेल से बढ़कर कोई चीज है, वो हमने पीडीपी ने दिया है। मैंने बोला बीजेपी ने क्या दिया, बीजेपी ने सब कुछ दिया हमको, इतनी खुशी दिया दिखाई नहीं देता आपको, कितने खुश है हम, अपने घर छोड़ के आए, बाल बच्चे छोड़ के आए और 15 लाख की खुशी मनाते हैं हम, इससे बढ़कर क्या दिया बीजेपी ने हमने। हम इससे पहले हम रोड पे चल नहीं सकते, आज तो हमारे हाथ में तिरंगा है, डर लगता था ना। मैं क्या दो रहा हूँ भाई, इस वक्त मैं देखा पसीना कितना है और गले में भी खींच खींच है, मैं तो बहादुर हूँ इंशाल्लाह, मैं तो हूँ हिंदुस्तान। ओए ओए यार, ऐसे बंदे की बातें वायरल ना हो तो क्या हो यार। कहता है मैं दिल से हिंदुस्तानी, मेरी जान ये मतलब कि इंडिया, मेरी शान इंडिया, भाई मेरे सीने के अंदर ये तिरंगा, मेरे दिल के अंदर ये, मेरे सर पे झंडा, मेरे हाथ में झंडा। वाह यार, मतलब यार लेवल था बंदे ना यार, वाकई में उसकी बातों में इतना दम था बंदे की, के बंदा क्या ही बोले। कहता है कि वो एक वो रिपोर्टर कहता है कि बोला था कश्मीर के अंदर तिरंगा नहीं होगा ना, तो वो कहता है देखो ना आज मैंने लिया हुआ, देखो सारे खुश हैं, कहते हैं ये जो कश्मीर के जो चोर डाकू थे, जो लीडर थे, इन्होंने हमें क्या दिया, इन्होंने हमें जेल दिया, कहता है बीजेपी ने हमें हर चीज दी है, देखो सारे खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। बिल्कुल, और इतने मजे की बात बोली, कहता है कि हम तो शुक्र कर रहे हैं कि मोदी जी ने सब कुछ हटाया है, मतलब जाहिर बात है उनको पता लग गया ना इसकी चीज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। कहता है हमने मोदी जी जैसा शेर आज तक नहीं देखा, हमें फखर है कि हमारे मुल्क का लीडर एक मतलब कि शेर है, मोदी है। बिल्कुल वजह देखो बोल रहे हो, एक सवाल भी उस पे किया कि आना उनकी दुकानें बंद हो गई है। बिल्कुल भाई, जो चमकाते थे पाकिस्तानी परचम उधर ले रहे थे, वो चीजें बंद हो चुकी है। या जो ऐसे बातें की है ना, गूज बम मिले वाकई, जो मोहब्बत होती है ना सच्ची इसके दिल में, जो परचम हाथ में थामा हुआ था ना इसने, और ऊपर से पटका भी पहना यार। देखो ये शान होती है, सही एक बात होती है ना, एक दो बंदे आए उनकी वीडियोस आए कश्मीर से, चलो बंदा कहता है और खुश नहीं है, तो ये है, चलो ऐसा वैसा, रोज देखो तो हजारों वीडियोस निकल कर आ रही है, एक एक बंदा कश्मीर का, एक एक कश्मीरी तिरंगा लहरा रहा अपने घरों में, वहां पे कश्तियों पे लहरा रही हैं, हर घर के अंदर तिरंगा, बच्चे तिरंगे लेके वहां पे चल रहे हैं। देखो इंडिया के अंदर तो ठीक है हर घर में होगा, लेकिन कश्मीर की अगर बात की जाए, वहां पे एक टाइम पे पत्थरबाजी वो था, लेकिन वहां पर भी आज इंडिया का तिरंगा, मोदी जी से इतना लोग खुश है कि भाई मोदी जी के लिए जान देने के लिए तैयार। कहता है मैं जान भी दे बोलता है कि हम ऐसे तिरंगा लेके सड़कों पे निकल सकते थे, ये मोदी जी ने हमें सिखाया है कि तिरंगा लेके निकलो रोड सही का, और बात तो ठीक है, ठीक पहले पत्थरबाजी तो पहले कौन निकल सकता था, कोई भी नहीं सियासत देखी थी पहले, कितने वो वाकई यार मोदी जी ने कश्मीर के बदल के रख दिया, हर घर में तिरंगा और हर दिल में तिरंगा, सही का बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा खैर रखना, तो बाय।